नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता। देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में रोज कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार को इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है, वही अब कोरोना को लेकर तमाम पाबंदियां फिर से लगानी शुरू की जा चुकी है। सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना के बढ़ने के ज्यादा खतरा है। यही वजह है कि मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसी कड़ी में मथुरा के बांके बिहारी मंदिर आने वाले भक्तों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की है। बांके बिहारी प्रबंधन कमेटी के मुनीष शर्मा ने ये गाइडलाइन जारी की है। मंदिर प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु मंदिर परिसर में प्रवेश करने जा रहे हैं वो साफ सफाई का खास ध्यान दें। वहीं मंदिर प्रशासन में अपने गाइडलाइंस में कहा कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और छोटे बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना लाएं। साथ ही दर्शन के वक्त ज्यादा से ज्यादा वक्त तक मंदिर में ना रुके और बताए गए नियमों के अनुसार ही दर्शन करें। गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियां करते हुए नजर आता है तो उसकी सूचना खोया पाया केंद्र पर दे। जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर राज्य सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी की है, साथ ही कोरोना नियमों का पालन करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।